ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चालू करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, यहां पर हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, ऑकर्स वाया मेनली E1 and E2। ठीक है, तो E1 and SN1 occurs in a parallel, and in most of the cases E2 and SN2 also occurs in parallel. ठीक है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में ज्यादातर बातें हम लोग जो है वहीं पर खत्म कर चुके थे। ठीक है, अपना रिएक्शन मैकेनिज्म पे, यहां पर बस थोड़ा बहुत याद दिलवाने वाली बात है, ध्यान देना। हायर टेम्परेचर प्रोमोट्स सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। हायर टेम्परेचर प्रोमोट्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। वीकर बेसिस कैन एलिमिनेट ओनली वाया E1 stronger basis can give E1 as well as stronger basis जो है वो हमारा E1 और E2 दोनों दे सकता है। However, E2 is preferred E2 जो है वो हमारा प्रेफर होता है। एंड उसके बाद इन E1 There is no kinetic isotopic effect, but in E2, kinetic isotopic effect is observed. In E1, there is no kinetic isotopic effect, but in E2, kinetic isotopic effect is observed. Major product is generally more stable alkene and that is called Sedzef alkene
ठीक है, ऑल केसेस वर लेस स्टेबल एल्कीन यानी हॉफमैन एल्कीन जिसको हम बोलते हैं इज अ मेजर आर टू बी रिमेंबर्ड। तो ये सारे के सारे एलिमिनेशन के बेसिक बातें जो है वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? ओके इसके अलावा हम लोग एक चीज जानते हैं, इन इवन देयर इज नो स्टीरियो कंट्रोल, इन इवन देयर इज नो स्टीरियो कंट्रोल बट E2 elimination always occur via anti-periplanar transition step। ठीक है, तो देयर इज स्टीरियो कंट्रोल, ये चीज भी हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू एक बार वापस कर लेते हैं। सो यहां पर है हमारा बीआर और इस पर हम डालते हैं एल्कोहलिक क्यूएच और साथ में करते हैं हीट। तो क्योंकि यहां पर हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है तो सबसे पहले ये हमारा बनेगा, तो Br- जो है वो हमारा लीव करेगा और Br- लीव करते हुए सबसे पहले so this is the even condition and now यहां पर जो हमारा बीटा हाइड्रोजन है वो दो प्रकार के हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां पर OH माइनस करते हुए क्या आएगा, प्लस नाउ यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाले पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास कितना है, 3, 2, 6, 2, 8 So this is my sets of alkene. So this one is going to be major. And this one is going to be minor. On the other hand, मान लो हम लोग कौन सा वाला केस देखते हैं यहां पर, यहां पर है Br
और इसमें हम डालते हैं अल्कोहलिक QOH, साथ में करते हैं हीट, तो इन दैट केस हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में हमें यहां पर देखना है। ठीक है, अगर ऑब्वियस ही बात है, द हैलाइड इज टू डिग्री एंड अल्कोहलिक QOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिंपल सी बात है, E2 इज प्रेफर्ड, E2 जो है वो हमारा प्रेफर होगा। ठीक है, सो एंटीपरिप्लेनर बनाना है, यहां पर हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम है, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड फर्स्ट, पहले हाइड्रोजन जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होने वाला है। सो क्या होगा यहां पर, इसका न्यूमैन बना लो पहले, तो यहां पर है मेरा Br, यहां पर है मेरा CH3, यहां पर है मेरा H, यहां पर है मेरा D, यहां पर है मेरा H और यहां पर है मेरा CH3। तो ये वाला Br और ये वाला H को ऑपोजिट साइड पर लेकर आना है। सो ये वाला Br को नीचे घुमा ऊपर घुमा के लेकर आ जाओ, तो Br अगर घूम के ऊपर आ रहा है तो H जो है वो मेरा राइट पे जा रहा है और CH3 जो है वो मेरे लेफ्ट पे जा रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा मुझे नीचे। ये मेरा H यहां पर है, यहां पर CH3 जो है वो मेरे पास राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा, और डी जो है वो मेरे पास यहां पर आएगा। यानी अगर मैं 100 हॉर्स पे इसको दिखाऊं, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, यहीं से HBR निकाल दिया करो तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसका 100 हॉर्स एक बार बना के दिखा दे रहा हूं, ना यहां पर मेरा Br है, यहां पर मेरा H है। ठीक है, अच्छा मुझे राइट पर वेज दिखेगा, तो यहां पर वेज पे होगा H और डैश पे होगा CH3, और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं डैश पे होगा CH3, वेज पे होगा डी। तो यहां पे OH माइनस सबसे पहले ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप मारेगा, Br माइनस लीव करेगा, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C CH3 DH। यानी यहां पे हमारे पास केवल और केवल सिस एल्कीन जो है
वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनने वाला है, ठीक है। और रिंग के केस में भी ये बात सही है, अगर ये वाला है यहां पर CH3, यहां पर CH3, नाउ यहां पे है हमारा BR और यहां पर है मेरा H और यहां पर है मेरा D। नाउ यहां पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डाल के हीट करूं, सो भले ही यहां पर हमारा H है और D है, बट BR के एंटी पोजिशन पर D है, तो स्टीरियो का इंपॉर्टेंस सबसे पहले आएगा, उसके बाद बाकी बात देखी जाएगी। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, साफ साफ सबसे पहले यहां पर OH माइनस आएगा, तो यहां पे है CH3 तो सिंपल सी बात है, स्टीरियो हैज टू बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी in E2. The stereo has to be given the first priority in E2. Clear? Okay, दोस्तों, तो ये वाले question में हम सबसे पहले ये देखेंगे, choose by which method the following reactions occur. हमारे पास चार option होंगे, SN1, SN2, E1 and E2. Now, सबसे पहले वाला option को अगर हम देखें, तो यहां पर हमने सॉल्वेंट की ओर ध्यान दिए, दैट इज एसीटोन। तो एसीटोन जैसे ही देखे तो बात यह है, जो थिंक अबाउट SN2 वर्सेस E2, नाउ यहां पर ध्यान दो, I माइनस पैथेटिक बेस I माइनस पैथेटिक बेस है, राइट, और टेम्परेचर भी लो है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो रिएक्शन होगा यहां पर होगा E2, यहां पर जो मेजर रिएक्शन होगा दैट इज E2, सॉरी E2 क्या बोल रहा हूं, सॉरी SN2। तो बेस खराब होने के कारण एलिमिनेशन नहीं होगा, तो यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सिंपली I। अच्छा, ना यहां पर अगर हम ध्यान दें दूसरे वाले कंपाउंड पर, लैक ऑफ बीटा हाइड्रोजन, लैक ऑफ बीटा हाइड्रोजन, देयरफॉर E1/E2 इज आउट ऑफ क्वेश्चन। चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, ये डेफिनेटली आउट ऑफ क्वेश्चन है, और ये हमारा 1 डिग्री पोजीशन भी है, बेंजाइलिक भी है, SN1 SN2 दोनों हो सकता है, बट CH3O- इज अ
strong nucleophile. CHCO- is a strong nucleophile. Therefore, SN2 is preferred. तो यहां पर भी SN2 होगा और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी नाउ यहां पर क्या है CH3O- इज अ strong base and a nucleophile. Therefore, think about SN2 and E2. SN2 और E2 के बारे में ही सोचो, बाकी SN1 या E1 के बारे में नहीं सोचना चाहिए. टेम्परेचर हाइयर साइड में है तो सिंपल सी बात है E2 प्रेफर्ड और जो प्रोडक्ट हमारा यहां पर बनेगा Now, यहां वाले पे क्या होगा, यहां पर भी अगर हम ध्यान दें 2 degree पोजिशन CN- इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल. CN- is a strong base oblique nucleophile. ठीक है, तो CN- strong base या फिर nucleophile होने के कारण क्या होगा, थिंक अबाउट SN2 एंड E2. टेम्परेचर लो है, मेजर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी SN2 एंड प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3 होल ट्वाइस. CHCN एंड लास्ट वाला जो है यहां पर तो हमारे पास वापस सेम कंडीशन है. ठीक है, सिमिलर सिचुएशन, वन साइड बीटा इज अ क्राउडेड बट अदर साइड इज अ ओपन. टेम्परेचर is low, so यहां पर हमारा E2 नहीं होगा, it will be simply SN2. तो product जो बनेगा यहां पर हमारे पास CN. तो सबसे पहले ये वाले बात जो है इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, चलो एलिमिनेशन के ऊपर इसी टाइप का और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देखते हैं एक बार के लिए. ओके दोस्तों, तो यहां पर क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोला है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन गिव E2 एलिमिनेशन विद अल्कोहलिक KOH. अच्छा, सबसे पहले ए के बारे में अगर हम बात करें, ए पे सिंपल बात है, impossible
फिनाइलिक हैलाइड नेवर गिव्स E2। ए तो कोई संभावना है ही नहीं, ए तो हमारा कभी भी E2 देता ही नहीं है। फिनाइलिक हैलाइड है, यहां पे तो केवल और केवल बेंजाइन बनता है, बेंजाइन के अलावा कुछ नहीं बनता है। अच्छा, बी के बारे में अगर हम बात करें, बी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, बी में देख सकते हो कैन गिव E2। अच्छा, E1 भी दे सकता है बट E2 भी देगा, E2 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ध्यान दो, एट अ वेरी गुड रेट, यहां पर E2 का रेट भी बहुत अच्छा होगा, E1 का रेट भी अच्छा होगा, पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन ही अच्छा चलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास CH2, CH3, CH3, Cl, क्या बनेगा? C, नेक्स्ट सी, ऑब्वियस बात है विल गिव E2। यहां पर तो हमारा खराब E1 होगा, द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हमारा बी आर है ये 1 डिग्री पोजिशन है, तो यहां पर E1 तो होगा नहीं, तो यहां पर E2 ही होने वाला है। सो सी भी, बी हमारा E2 दिया है, सी हमारा E2 दिया है, तो यहां पर CH2Br ये रिएक्ट करके हमें देगा डी एंड ई, नो बीटा हाइड्रोजन, दोनों पे कोई बीटा पोजिशन पर हाइड्रोजन नहीं है, सो E2 होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। डी पे अल्फा एलिमिनेशन होगा, ई पे कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन किसी भी हालत पर नहीं होगा, वहां पे तो केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हमारा होने वाला है। एफ विल गिव E2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिग्री पोजीशन है, E1 E2 दोनों होगा, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 विल बी प्रेफर्ड, सो हीट सो दिस इज ऑल्सो डन। जी, नो बीटा एच, नो E2 एज इट इज बीटा क्राउडेड 1 डिग्री, एज इट इज बीटा क्राउडेड 1 डिग्री, इट gives elimination via E1। ठीक है, H, no beta H, no E2, सवाल नहीं पैदा होता है। एक बार के लिए I को छोड़ दो, J ब्रिजहेड
ईवन ए2 कुछ भी नहीं होगा, ये तो हमारा बन ही नहीं सकता है। ये तो हमारा बन ही नहीं सकता है, ठीक है। और आई में डिपेंड्स, तो वो एक तरफ का बीटा तो ब्लॉक्ड है, अब यहां पर अगर ये स्थिति हो E2 होगा, और अगर इस प्रकार की स्थिति हो E2 नहीं होगा। अच्छा, अगर स्टीरियो नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? मार्क करेंगे। देखिए, एक स्टीरियो तो ऐसे मिलेगा ना जहां पर E2 हो सकता है, तो कैन गिव पूछा है, तो E2 हम मार्क करेंगे। बट I के लिए स्टीरियो इंपॉर्टेंट है, ये H और CL अगर एंटी है तो E2 होगा, अदरवाइज E2 नहीं हो पाएगा, तब वो मजबूरन E1 की ओर से प्रोसीड करने वाला है। तो दोस्तों, और एक क्वेश्चन हम इस टाइप के देखने वाले हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, लेट्स सी, क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे कंपाउंड्स है, ठीक है, और रिएजेंट्स जो है वो यहां पर दिया हुआ है, एंड वहां पे उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, 6 पॉसिबिलिटीज जो है वो लिखा हुआ है, नो रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, नो रिएक्शन और स्लो सब्स्टिट्यूशन, एंड नो रिएक्शन और स्लो एलिमिनेशन। तो सॉल्वेंट हर जगह पे हमें इथानॉल मानना है, तो अब हमारा सवाल ये है जो क्या यहां पर होगा उसके बारे में बताओ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम एक चीज देखें, जो CH3CO- CH3S- CN- act more as nucleophile than base, अगर मजबूरी हो तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा, और जो OH- है एक्ट मोर एज अ बेस देन न्यूक्लियोफाइल, राइट। सो सबसे पहले कंपाउंड ए के बारे में देखते हैं, तो ये हमारा एलाइलिक पोजीशन है, तो सबसे पहले इन तीनों में एक बात तो ऑब्वियस है, जो यहां पर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, इनके प्रेजेंस में एलिमिनेट होने का कोई कारण ही नहीं है, तो बेसिक जो होगा वो तो हमारा सब्स्टिट्यूशन ही होगा। जहां पर हमारा OH- है वहां पर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों थोड़ा बहुत होने वाला है, तो यहां पर हम 4 लिखेंगे, बाकी ये वाले केस में तो हर केस में हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही डेफिनेटली मिलने वाला है। अच्छा, बी भाई, बी पे एलिमिनेशन नहीं होगा, तो बी पे तो चुपचाप आंख बंद कर लो और सब में लिख दो, कुछ भी हो जाए ये सब्स्टिट्यूशन ही होगा, एंड एग्जैक्टली सेम फॉर सी, यहां पर भी केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है, एलिमिनेशन तो होगा ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है,
तो कहां से एलिमिनेट होने का सवाल पैदा हो रहा है, राइट? अब डी विनाइलिक हैलाइड है. अब विनाइलिक हैलाइड SN1, SN2, E1, E2 कुछ भी नहीं देता है. बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हमारा वो रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगा, जो इनमें से एक भी नहीं है. तो यहां पर रिएक्शन होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है. तो ये वाले पे तो चुपचाप लिख दो सारे के सारे 1. और ई जो है वो हमारा फिनाइलिक है, तो ई पर भी हर जगह पे लिख दो 1. सबसे पहले ये हमारा यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, राइट? अच्छा, ओके. नाउ उसके बाद क्या है एफ वाले पे? CH3CO- इन इथानोलिक सॉल्वेंट, ठीक है. सो ऑब्वियस बात है, CH3CO- अगर इथानोलिक सॉल्वेंट पे है तो यहां पर हम देख सकते हैं बीटा वाला पोजीशन तो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है. तो कंप्लीटली ब्लॉक्ड होने के कारण ये हमारा इतना बड़ा, अगर हमारे पास एनायन है तो बड़ा एनायन के केस में किसी भी हालात पर सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है ही नहीं. बीटा ब्लॉक्ड है तो एलिमिनेशन भी नहीं हो सकता है. इथानोलिक सॉल्वेंट है, वाटर भी नहीं है. जो मैं E1 के बारे में सोचूं तो एफ पे यहां पर तो हमारे पास डेफिनेटली 1 आएगा, नो रिएक्शन. बट CH3S- इज अ मच स्मॉलर एनायन, तो थोड़ा बहुत तो वहां पर अटैक करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू. तो एक्चुअल में वहां पर नो रिएक्शन लिखना थोड़ा सा पाप होगा. इट कैन गिव अ वेरी 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 स्लो सब्स्टिट्यूशन. अगेन CN- इतना स्टेरिकली हिंडर्ड पोजिशन पर अटैक करता ही नहीं है, बट OH- थोड़ा बहुत कर पाएगा. सो S- और O- जो है जहां पर अटैक कर रहा है, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल सकता है, बाकी किसी भी हालात पर नहीं मिलने वाला है, राइट? ओके, नाउ दूसरा हम लोग जी वाले केस के लिए देखते हैं. अच्छा, जी वाले केस के लिए अगर मैं देखूं एक चीज, जो यहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो जो हमारे थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है वो एलिमिनेशन दे पाएगा, और बाकी ये दोनों जो है वो काफी ज्यादा वीक बेस है, तो उनमें एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा स्लो होगा. इन दोनों में CN- HCN काफी वीक एसिड है, तो थोड़ा बहुत एलिमिनेशन हो पाएगा. बहुत अच्छे OH- के केस में तो बहुत ही अच्छा एलिमिनेशन होगा. CN- बीच में बहुत स्लो तो नहीं होगा, बट S- और CH3CO- पैथेटिक बेस है. सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो यहां पर सोचना ही मत, क्योंकि हमारे पास इथानोलिक मीडियम है. हमें SN1 की तरह नहीं, हमें SN2 और E2 पे मेन सोचना है. तो यहां पर SN2 तो नहीं होगा. तो SN1 के लिए अगर हम देखें, सॉरी SN2 के लिए अगर हम देखें, 3 डिग्री पोजीशन होने के कारण SN2 पॉसिबल नहीं है. E2 के लिए बेस हमारा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो CN- मॉडरेट एंड अल्कोहलिक NOH इज अ वेरी गुड बेस. तो यहां पर तो बहुत अच्छा रिएक्शन होगा. NaCN ओके मॉडरेट, बट इन दोनों में रिएक्शन जो होगा वो हमारा काफी ज्यादा स्लो होने वाला है, ठीक है. ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग केस एच. ओके, यहां पर एच वाले केस पर अगर मैं देखूं, नाउ एच वाले केस पर यहां पे अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, क्योंकि 2 डिग्री पोजीशन है, तो इन दोनों में वापस तो एलिमिनेशन होगा, बट इन दोनों में वापस हमारा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, और प्रॉपर लेवल पे सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास
टू डिग्री पोजिशन है तो कोई प्रॉब्लम जो है वो हमारी नहीं आने वाली है। अच्छा, G इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ G, तो जो तुमने G पे लिखे हो वो तुम J पे भी लिख दो। एंड लेट्स लुक एट I. I जो है, I वाला केस मेरे ख्याल से एग्जैक्टली A वाला केस है, क्योंकि वो भी काफी कम स्टेरिकली हिंडर्ड पोजिशन है। तो A और I जो है वो सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेगा, तो यहां पर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2, 2, 2 and 4। ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो एक बार चेक करो, देखो किस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, द वीकेस्ट बेस एंड द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ये कंपैरेटिवली कम वीक बेस है, ठीक है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस है, बट न्यूक्लियोफाइल थोड़ा खराब। ये दोनों बेस काफी अच्छा होता है। हाँ, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल बेटर है देन बेस, बट CN माइनस इन दोनों के कंपैरिजन में काफी बेटर बेस है, और OH माइनस का प्राइमरी काम बेस की तरह ही होता है। मुश्किल से अल्कोहलिक मीडियम पे मुश्किल से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जब एलिमिनेशन का ऑप्शन नहीं होगा तभी वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें देने वाला है। तो ये मोटे मोटे दौर पे हमारा एलिमिनेशन के बारे में सारे के सारे चर्चाएं हैं। मेरे ख्याल से यहां तक ये क्लियर हो चुका है। सो एलिफैटिक हैलाइड्स में से अब हमें केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी टाइप के कुछ रिएक्शंस के बारे में हमें देखना है। बाकी सारे चीजें जो है वो हम लोग यहां पर कर चुके हैं।